मैं जानता था आप केवल यही सवाल किया है, आप इस कार्यक्रम को कवर करने नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, वो लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों की रोज हत्याएं कर रहे हैं। कल नल छूलने पर हत्या कर दी, कर पिछले दिनों मूछ रखने पर हत्या कर दी, कभी घड़ा छूने पर हत्या कर दी। इसका मतलब क्या है कि अगले 5 से 6 साल में भारत जो है वो हिंदू जो है बोल सकते, भारत के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होंगे, या तो भारत के लोग खासतौर पे जो सारे संसाधनों पे काबिज है, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे काबिज है, वो लोग भारत से जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सामने आए। भारत के न्यायालय, भारत की सरकारें, राज्य सरकारें, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग या तो भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए सामने आए। अगर वो जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे लोग अब जाति की वजह से अपनी और जान गंवाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आपने भी मंच से बोला कि आप मंत्री पद पे रहते हुए वो काम नहीं कर पा रहे थे अपने समाज के लोगों के लिए, इसका क्या मतलब? देखिए, मंत्री के पद पे रह के आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, तो आपको विभागों के सारे काम भी कर रहे हैं, आपको वो दायित्व निभाना है, तो पूरे देश में जाके जितना टाइम देने की जरूरत होती है वो टाइम आप नहीं दे पाते। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है। हाँ, मेरे समाज का दबाव जरूर है कि मेरे समाज पर रोज जनजाति हो रही है, उसमें मुझे क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रिजाइन करके अपनी भूमिका निभाने के लिए आ रहा हूँ। आखिरी सवाल, की EWS कोटा पर भी आपने बोला कि वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गलत है, उसमें आप? मैं पूछना चाहता हूँ, उस कोटे में जिनका टोटल जनसंख्या 12% है, उनको आपने 10% दे दिया और बाकी का जो 40% और जो ओपन कैटेगरी वो भी उनको दे दिया, तो उनको तो आपने 50% दे दिया। उसमें अगर 8 लाख की सीमा है तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो SC ST में अप्लाई नहीं करना चाहते, उनको क्यों बैन लगाया कि वो अप्लाई इसमें क्यों नहीं कर सकते? संविधान की बात करते हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने जब EWS कोटा को बरकरार रखा, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी तो गलत निर्णय होते हैं। दोनों ने ये भी तो कहा है कि उनको बाहर नहीं रखना चाहिए था, तो क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? दो जो सीनियर मोस्ट जज है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक, दूसरे जस्टिस रविंद्र भट्ट है, उन दोनों की जो जजमेंट है, लेकिन उन्होंने जो कहा, तीन जजों ने कहा। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जो जजमेंट होते हैं, कभी भी कभी तो 13 जज की जजमेंट आई है बेंच की, 13 में से 6 एक बात कह रहे हैं, 7 एक कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, 7 का बहुमत से फैसला जरूर है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो 6 ने जजमेंट दिया वो गलत है। 6 के अपने तर्क है, 7 के अपने तर्क, फैसला गलत मानते हैं सुप्रीम? मेरा ये मानना है कि अगर संविधान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो कानूनी दृष्टि से ये गलत है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी EWS में, अगर वो SC ST से बेनिफिट नहीं लेना चाहते, वो गरीबी की रेखा के तहत आके अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। ये लड़ाई राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज की लड़ाई है, और हमें अपनी समाज की लड़ाई को अगर हमने राजनीतिक पार्टी में उलझा दिया तो हम लड़ाई को हार जाएंगे। तो हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हमें राजनीतिक पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लड़ाई को लड़ना है। सर, संतों के खिलाफ FIR करवाई आपने? बिल्कुल, उनके खिलाफ मैंने देश के राष्ट्रपति जी को कंप्लेंट दी है, मैंने देश के गृहमंत्री जी को चिट्ठी दी है, मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल जी को कंप्लेंट दी है, मैंने नॉर्थ दिल्ली के DCP साहब को कंप्लेंट दी है, मैंने सिविल लाइन थाने के SHO साहब को कंप्लेंट दी है। रिसीव हुए अभी लगभग मेरे ख्याल से कम 20-25 दिन हो गए, और मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, MLA हूँ, और मेरी ही कंप्लेंट पे मुझे जान से मारने की धमकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो आम लोगों को भारत में न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। संत मत कहिए आप, संत मत कहिए, वो संत नहीं है, संत इतने मोटे नहीं हो सकते, वो तो लोगों का खून चूस चूस के मोटे हो गए। मैं देख रहा हूँ, छुआछूत के लिए हमारे देश की आज के डेट में सरकारें जिम्मेदार हैं। EWS कोटे को आज सरकारें हैं, तो सरकारों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है कि वो देश से छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म करे। EWS को फैसले को लेकर आपने सवाल उठाया राजेंद्र पाल जी, सब पार्टी का कोई बयान नहीं आया। मेरे समाज के लोग पूरे दुनिया से और पूरे देश से हमारे साथ खड़े इस लड़ाई में, और मुझे पता है कि कोई राजनीतिक पार्टी, चूंकि सबको वोट चाहिए, राजनीतिक पार्टी इस लड़ाई में साथ नहीं आएंगी, लेकिन समाज जवाब देने के लिए सक्षम है, और हम जवाब देंगे। राजेंद्र पाल जी, आपने EWS को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी सवाल उठाया, उसमें क्या आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी आपने सवाल उठाया? हाँ, बिल्कुल उठाया। भारत के संविधान को पढ़िए, आर्टिकल 15
15(4) को पढ़िए, 15(1) को पढ़िए, 15(4) को पढ़िए साथ में। जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15(4) कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, दे आर टू बी गिवन रिजर्वेशन। और उसमें जो बाद में जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की आई उसमें उसका आधार बताया कि एफिशिएंसी खत्म नहीं होनी चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एडिक्वेट 2000 मोर देन रिप्रेजेंटेड, मोर देन देयर पॉपुलेशन 2000 रिप्रेजेंटेड, यानी जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका लेस नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है, और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन देना ये संवैधानिक दृष्टि से तो गलत है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। और उसमें ये और भी ज़्यादा गलत है कि अगर उस EWS कोटे के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के गरीब लोग अगर वो SC/ST कोटे में क्लेम नहीं करना चाहते, वो गरीबी के रेखा में क्लेम करना चाहते हैं, उनको उसमें मनाही है, तो ये बिल्कुल इलीगल जजमेंट है। आप नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, कोर्ट का फैसला है तो मानना तो सरकारों की और सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उसकी जब समीक्षा करता हूँ एक वकील होने के नाते, एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते जब मैं समीक्षा करता हूं, तो मुझे उस जजमेंट में पूरी तरीके से न्याय नजर नहीं आता। सर आपने अभी अनुच्छेद 17 पूरी देश में लागू नहीं है, कौन जिम्मेदार? केंद्र की सरकार जिम्मेदार और न्यायालय भी जिम्मेदार है। सर छुआछूत के लिए किसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, भारत की सरकारें जिम्मेदार है जो छुआछूत करती है, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। क्या राष्ट्रपति को पार्टी बनाया जा सकता है? ये कोई सवाल है आपका? बौद्ध धर्म को लेकर भी आपने कहा कि आने वाले दिनों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदू धर्म कम हो जाएगा। पूरे दुनिया में ऑलरेडी बहुसंख्यक हो रहा है, पूरे दुनिया में लोग बौद्ध बन रहे हैं, भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में बन रहे हैं अपनी अच्छाई की वजह से, क्योंकि ये भारत का धर्म है, बौद्ध धर्म भारत से गया, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया को बुद्ध के धर्म ने भारत से दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आया। तो जो धर्म सबके लिए मानव कल्याणकारी है, जिसमें समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री की बात है, उसको तो सबको सभी धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों को बुद्ध के धर्म को मानना चाहिए। और बुद्ध का धर्म धर्म नहीं है, पहले ये समझ लीजिए, धर्म में और धर्म में अंतर है। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, और बुद्ध का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो चलता है बुद्धि और विवेक से। वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग बौद्ध हो सकते हैं, जो बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो ज्ञान का इस्तेमाल करें, जो 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 समतावादी हों, जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और पाखंडवाद में भरोसा ना करें। सर एक सवाल है मेरा, क्या आपने अभी संवैधानिक आपका सवाल का जवाब रहने का सर बात अभी आपने मंच से कहा कि मंत्री पद से मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि वो संवैधानिक पद था, तो लेजिस्लेटिव मेंबर होना भी तो संवैधानिक पद है? नहीं 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 नहीं, आप इसको पढ़िए पहले। मंत्री का जो पद है उसका दायित्व एक सरकार के अंदर अपने क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता के प्रति बहुत बड़ा काम जिम्मेदारी होती है, लेकिन MLA एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है जो सवाल उठाता है, मंत्री सवाल नहीं उठाता, मंत्री जनता के पूछे हुए सवालों का जवाब देता है, लेकिन MLA सवाल उठाता है, वो रोड पे भी सवाल उठाएगा, वो कोर्ट में भी सवाल उठाएगा, वो विधानसभा में लोगों के मुद्दों को उठाएगा, लेकिन मंत्री नहीं उठा सकता। नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फोटो की डिमांड हो रही है सर देश? नहीं, मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे बड़ा कोई भारत में कोई व्यक्ति और कोई धर्म नहीं हो सकता। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत को गौरवान्वित करता है वो सबसे बड़ा है। और बाबा साहेब तो वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। बाबा साहेब का जो रिसर्च वर्क था दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, जो बाबा साहेब का रिसर्च वर्क था, उस रिसर्च पेपर के ऊपर भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो मैं समझता हूँ अच्छा विकल्प हो सकता है कि बाबा साहेब की पोर्ट्रेट जो है, मूर्ति जो है, वो भारत के उसमें लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।